अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कराची। तो भाई एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है शाहिद शाह। तो भाई आज का जो कराची का मौसम है बड़ा ही दिल फरेब है माशाल्लाह से। सुबह सुबह का वक्त है, हल्की हल्की धूप के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई है, मौसम इतना खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही है। काफ़ी दिनों बाद जो है कराची का मौसम इतना अच्छा और खुशगवार हुआ है, और ख़ास तौर पर हम कराची वालों को तो ऐसे मौसम बहुत कम देखने को मिलते हैं। गर्मी की लहर आजकल इतनी शदीद हो चुकी है कि क्या बताएं भाई, घरों में रहना अजाब हो गया है। तो हो सकता है ये काली घटाएं जो आसमान पर आपको नज़र आ रही है वो अब्र बरसा कर जाए। और हम जा रहे हैं सुबह अपने दफ्तर, वही रोज़ की रूटीन, सुबह घर से निकलो 8:30 बजे 9 बजे दफ्तर पहुंचो, और उसके बाद वही दफ्तर के काम मामला निपटाओ, और फिर 1 बजे जहर की नमाज़ से पहले कर। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन बहुत मुख्तसर सा होता है, इसमें दफ्तर के काम के साथ साथ घर वापस आकर फ्रेश होकर जो है नहाना भी पड़ता है। वैसे हम सुबह सुबह नहा के निकल जाते हैं लेकिन दोपहर को आके दोबारा से एक दफ़ा नहा लेते हैं ताकि। और ये है कराची की सड़कें, यहाँ पर जो है कभी भी आपको जो है कराची की कोई सड़क सही सलामत नज़र नहीं आएगी, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा होता है। अभी पहुंचे हैं हसन स्क्वायर में, हसन अक्सर फ्लाईओवर सामने एक्सपो सेंटर है, और सीधे हाथ पे आपको मेरे नज़र आ रहा है सिविक सेंटर। ये सिविक सेंटर है जहां पर जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, एक्साइज की टैक्सेस पे किए जाते हैं, उसके पीछे स्विस ऑयल एंड गैस कंपनी की कंपनी है, और ये टाइम होता है कराची के दफ्तर जाने का। आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त सारे लोग जो है सबके बैग में, सबके कंधों पर जो है बैग लटका हुआ होगा, मेरे कंधे पर भी है एक अदद लैपटॉप, कुछ ज़रूरी सामान और दफ्तर के काम। ये रहा एक्सपो सेंटर। तो माशाल्लाह हम बात कर रहे थे कराची के मौसम की, तो भाई कराची की गर्मी तो बहुत शदीद होती है, और बारिशों का सिलसिला जब शुरू होता है तो ऐसा शुरू होता है कि फिर वो थमने का नाम नहीं लेता, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरा समंदर उमड़ आ जाता है। फिर यही होता है, जगह जगह निकासी के मसाइल, जगह जगह पानी ठहरा हुआ होता है, गाड़ियाँ ख़राब होती है, लोगों के गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, परेशानियों का सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद इतने मसाइल के बावजूद भी कराची वाले जिंदा दिल शहर, वैसे लाहौर को जिंदा दिल शहर कहा जाता है, इसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, जहाँ बिजली होती नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कभी बिजली जाती नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली कभी आती नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो है ये जो सड़क है इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जामिया कराची की सड़क, सीधा जो है जेल चौरंगी से आपको यूनिवर्सिटी और सफूरा तक पहुँचाती है। मलिर जाने के लिए भी यही रास्ता अख्तियार होता है। काफ़ी महीनों से जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहने को सो कॉल्ड यहाँ पर जो ग्रीन लाइन बस की जो है तामीराती काम जारी है। तो ये गाड़ी वाले इतना फ़ौरन, तो इस सड़क पर जो है ग्रीन लाइन मंसूबा कई महीनों से जारी है, देखो कब तक कंप्लीट होता है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम शहरियों को इसी तरह दुश्वारी का सामना रहेगा, ट्रैफिक के मसाइल रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ग्रीन लाइन बस बनने के बाद भी ये मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सड़क को इतना तंग कर दिया है, एक तरफ एक ग्रीन लाइन की जो है ब्रिज बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसके जो है रूट्स बनाए जा रहे हैं। चलें खैर क्या करें, हम शुरू से ही कराची वाले सब्जी से खेलते हुए आ रहे हैं तो हमें इस चीज़ की आदत हो चुकी है। भाई 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 आराम से, एक तो इन बस वालों से भी बहुत डर लगता है, सुबह का टाइम है भाई, और घर से दफ्तर पहुंचने का जो टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है, तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि 8:40 में घर से निकलता हूँ और फिर 9 बजे दफ्तर पहुँच जाता हूँ। कभी कभार अलबत्ता 2-4 मिनट ऊपर हो जाते हैं,
भाई ओ भाई कहाँ जाना है कहाँ जाना है, हर तरफ ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक 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 हर तरफ ट्रैफिक। ये देखें सड़कों पर तामीराती काम जारी है, खुदाइयाँ हो रही है, और उससे ऊपर आप देखें कैसे काली घटाएँ छाई हुई है। अब कहाँ से निकला जाए भाई, चारों तरफ तो जो है दोनों तरफ दोनों इतराफ ही जो है ट्रैफिक है। अल्लाह करे आज बारिश हो ही जाए, थोड़ा सा मौसम खुशगवार हो जाएगा, कराची वालों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। बस इतनी बारिश हो कि कराची वाले उस बारिश को रहमत की तरह इंजॉय करें, जहमत ना बन जाए। अच्छा बारिश जो है रहमत ही होती है, जहमत हमारी अपने ही गलतियों की वजह से बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस हिसाब से कराची बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम नहीं की गई है। यहाँ पर हर काम उल्टा होता है, पहले सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने के कुछ अर्से बाद याद आता है कि यार वो गटर लाइन तो मतलब सेवरेज की जो लाइन है वो ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत करनी है, फिर उस सड़क को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उस सेवरेज लाइन को जो है मरम्मत की जाती है, पानी की लाइन हो या गटर की लाइन, उसकी मरम्मत मुकम्मल होती नहीं है, फिर वो सड़क अधूरी रह जाती है, फिर उस सड़क की तामीराती काम कब होती है, जब अगला कोई इलेक्शन, अगली जब बल्दियाती इलेक्शन होने वाली होती है या अगले कोई जनरल इलेक्शन होने वाली होती है तब उस सड़क की तामीराती काम शुरू करवाए जाते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक हासिल किए जा सकें। भाई यही निज़ाम कई दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा है, और कराची वाले भी क्या करेंगे, बेचारे बेबस हैं और कोई चारा नहीं है। हम अभी पहुंच गए हैं तारिक रोड, पीछे जाके न्यारी तारिक रोड वाली, और सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है जो वो है चार मीनारी, उसे कहते हैं बहादुराबाद चार मीनारी। तो अब हम पहुंच गए हैं तारिक रोड दफ्तर के इंतहाई करीब, और ये ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खुशगवार मौसम, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। गर्मियों के बाद ये पहला मौसम है जो एंजॉय करने के काबिल हुआ है, लगता है बारिश होने वाली है। तो फाइनली हम दफ्तर के पास पहुँच गए हैं और 9 बजने ही वाले हैं, चंद ही मिनट रह गए हैं 9 बजने में। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अपन भी इस 70 बाइक से जान छुड़ाएगा और अपन के पास होगा हैवी बाइक, और उस पर आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। चलो चलो भाई, तो एंजॉय करें आप सब भी ज़िंदगी को इसी तरह, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही साथ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। चले भाई पहुंच गए हैं स्कूल, और यहाँ पर जो है गमले शमले लगाए जा रहे हैं।